रात ऋचा के माथे पर बहुत ही पसीना आ रहा था, जबकि वह दिसंबर का महीना था और उस वक्त ठंड अपने पूरे चरम पर थी। लेकिन ऋचा बिस्तर पर पड़ी हुई पसीने से लथपथ थी, शायद कोई डरावना सपना उसे सता रहा था। वह बार बार नींद में भी यही कह रही थी, कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे। अचानक एक चीख के साथ ऋचा अपने बिस्तर से उठ बैठी। वह पूरी तरह पसीने में नहाई हुई थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। तभी उसकी चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में आई और उससे पूछने लगी कि बेटी क्या हुआ, तुम इतनी तेज क्यों चीखी थी, क्या तुमने फिर से वही सपना देखा था। इस पर ऋचा कोई जवाब तो नहीं दे पाती, लेकिन हाँ में सर हिला देते हैं। इस पर ऋचा की माँ कहती है, ओह तुम्हारा सपना, पिछले 20 सालों से तुम लगातार यही सपना देखे जा रही हो, लगता है तुम्हारे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए तुम लगातार ऐसे सपने देखे जा रही हो। इस पर ऋचा कहती है, ओह माँ आप भी ना इन सब बातों में अब भी मानते हो, आजकल जमाना मॉडर्न हो गया है, शायद हो सकता है कि मैं अधिकतर समय इसी बारे में सोचती हूँ तो इसलिए मुझे ऐसा सपने आते रहते हैं। इस पर माँ कहती है, बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम इसी बारे में सोचती हो इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे ऊपर जरूर किसी की बुरी नज़र है इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। कल सुबह ही मैं तुम्हें आश्रम वाले बाबा जी के पास ले जाऊंगी, जो तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई सभी बुरी नज़र को उतार देंगे और इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरे साथ बाबा जी के पास चलना ही होगा। इस कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा करें और इसी प्रकार की रोमांचक हॉरर स्टोरीज के लिए पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें।